हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार, आर के गांधी क्विन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने क्या है त्रिभुज का केंद्रक जो से मतलब क्या है निकालना है ना। त्रिभुज में जो आपका जो केंद्रक जो से किस प्रकार से निकलता है उसको हमको क्या है सिद्ध करके लाना है। आपका निर्धारण ज्यामिति में है, यह है पढ़ना है। देखिए इसमें क्या है कि आपका त्रिभुज आपका दिया हुआ रहेगा और त्रिभुज में तीनों शीर्ष आपका भी दे देगा, ठीक है। और तीनों शीर्ष जब दे देगा और पूछ देगा कि त्रिभुज का केंद्रक जो है उसका मान क्या होगा, मतलब त्रिभुज का जो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तब उस कंडीशन में आप उसको कैसे निकालेगा, ठीक ना। तो वही आज हम जो फॉर्मूला को जैसे सिद्ध करके क्या है ला रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा वीडियो इतनी लॉन्ग बनेगा तो इसको लास्ट तक अच्छा से देखिएगा ताकि समझ में डिटेल्स रूप से आ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, देखिए इसको देखिए, त्रिभुज का केंद्र या क्या उसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। केंद्र कहिए या तो इसको क्या हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र भी, यानी कि गुरुत्व केंद्र भी इसको हम कहते हैं। अब यहां देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका एक क्या है त्रिभुज से मतलब इसमें दिया हुआ है। देखिए यहां गौर से समझिएगा, बड़ा बना दे रहे हैं कि समझ में अच्छा से आ जाए। यह आपका त्रिभुज है, ठीक ना। तो त्रिभुज का आपका देखिए पहले समझ लिया कि त्रिभुज पहले बोलते हैं किसको, ठीक ना। तो त्रिभुज हम उसको बोलते हैं कि जो तीन रेखा खंड से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। माने तीन रेखा खंड से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये भी आपका सर एगो त्रिभुज से खींचिए, यह है आपका त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुला है, इसमें कोई भी सर चल जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, नहीं। इसलिए क्या इसको हम त्रिभुज को नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज उसी को बोलेंगे कि जो तीन रेखा खंड से क्या है बंद आकृति होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज उसको कहते हैं। कोई दिक्कत, चल जाइए। अब देखिए कि त्रिभुज में जो है तीन रेखा खंड हो गया, तीन आपका क्या हो जाएगा शीर्ष बिंदु आपका हो, इसको तीन कोण आप भी आपका हो जाएगा, ए बी सी आपका शीर्ष होगा और कोण यहाँ पास होगा, ठीक है। देखिए यहाँ इसको दर्शा रहे हैं कि ए शीर्ष बी शीर्ष और शीर्ष सी शीर्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि त्रिभुज में तीनों शीर्ष बिंदु का मान जैसे कि आपको दे देगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु का मान जैसे कि आपको इसमें दे देगा और बोल देगा क्या कि त्रिभुज को केंद्रक निकालना है, ठीक ना। उसको कैसे निकालेगा? तो उसी फॉर्मूला के इसको हमको सिद्ध करके ले आना है, ठीक ना। क्या देखते हैं, इसको पहले मान लेते हैं कि ए आपका जो है से दिया है क्या एक्स वन और इसको मान लेते हैं वाई वन, इसको मान लेते हैं एक्स टू और इसको मान लेते हैं वाई टू, इसको मान लेते हैं क्या एक्स थ्री एक्स थ्री और क्या मान लेते हैं वाई थ्री, इसको मान लेते हैं, नहीं पढ़ा दिखाई एक्स थ्री है और ये वाई थ्री है, ठीक ना। तो एक्स वन हो गया, देखिए बिंदु का ए का मान दे दिया है एक्स वन कॉमा है वाई वन है और बी का मान दे दिया है एक्स टू वाई टू दिया है और सी मान दे दिया बिंदु का x3 और y3 दिया। तो यहां देखिएगा पहले कि हम कह रहे कि अपने माध्यिका पहले बोलेंगे पहले किसको, सॉरी केंद्रक पहले आपको पहले बनता है कैसे, ठीक ना। त्रिभुज में जो है केंद्रक जो है वो कैसे बनता है उसको पहले आप जान लीजिए, ठीक ना। तो केंद्रक जानने से पहले आपका त्रिभुज में थोड़ा सा पीछे आपको आना पड़ेगा कि हमको पहले माध्यिका जानना पड़ेगा कि पहले माध्यिका पहले बोलते हैं किसको, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष से देख रहे ना, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु को
जब हम मिलाते हैं ठीक ना, यानी कि त्रिभुज के सामने वाला भुजा क्या है बीसी है, और बीसी ही भुजा पर कोई आपका यहाँ पास क्या है बीच भाग में क्या मध्य बिंदु है ठीक ना। तो मध्य बिंदु और शीर्ष के एक रेखा के माध्यम से जब इसको हम मिलाते हैं ठीक ना, तो इस रेखा को हम क्या बोल देंगे माध्यिका कह देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम माध्यिका कह देंगे ठीक ना, माध्यिका कह देंगे। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो गया, इसको क्या बोल देंगे माध्यिका भुजा आपका हो गया ठीक है। यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से ठीक ना सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु पर जब इसको हम मिलाते हैं तो मिलाने से भुजा जो बना है इसी के क्या बोलेंगे हम माध्यिका कह देंगे ठीक है। तो यहाँ पास क्या है तो देखिए अब यहाँ पास आपको के वो बन गया त्रिभुज, दो गो आपका बन गया त्रिभुज, एक आपका बन गया त्रिभुज यानी कि क्या बन गया ए डी बी, एक ये बन गया त्रिभुज और एक आपका बन गया त्रिभुज ए डी सी बन गया ठीक ना। तो दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या आपको आएगा समान आपको आएगा, इसका क्षेत्रफल भी क्या आपको आएगा बराबर आपको आएगा ठीक ना। लेकिन हमको क्षेत्रफल नहीं हमको इसमें निकालना है, हमको केवल खाली केंद्रक निकालना है, लेकिन थोड़ा इसे लिख अगर इसमें बता दे रहे हैं। तो यहाँ बॉस देखिएगा कि ए से डाले बी सी पर इसको मानी कि मध्य बिंदु इसको डाले तो इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे माध्यिका कह देंगे। और फिक्स है कि देखिए बी बिंदु से भी डालेंगे ए सी भुजा पर, यानी कि बी बिंदु से ठीक ना बी सी भुजा के मध्य बिंदु पर इसको भी डालेंगे ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे माध्यिका इसको भी कह देंगे ठीक है। और सी बिंदु से भी हम क्या है ए बी भुजा पर जब क्या इसको लंब ऐसे डालेंगे, लंब मतलब ऐसे रेखा खींचेंगे ठीक ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे माध्यिका कह देंगे, इसको भी क्या बोलेंगे माध्यिका कह देंगे। तो अब यहाँ देखिए जो लंब जो डाला ए सी पर यानी कि रेखा जो हम खींचे ठीक ना ए सी के मध्य बिंदु पर, तो यहाँ पास पर भी आपका कुछ पॉइंट बनेगा। तो पॉइंट इसको क्या मान लीजिएगा ई मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए एफ मान लेते हैं कोई दिक्कत। तो इतना याद रखिएगा कि त्रिभुज में जो है क्या है तीनों क्या माध्यिका होता है, शीर्ष ए से खींचेंगे तो बी सी पर आएगा, और शीर्ष बी से खींचेंगे तो ए सी पर आएगा, और शीर्ष सी से खींचेंगे तो ए बी पर आपको आएगा ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा कि तीनों माध्यिका के कटान बिंदु ठीक है, तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं केंद्रक कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं केंद्रक कहते हैं, ये ना इसको हमको सर निकालना था। देखिए आपको बोल रहा है कि केंद्रक पहले हमको निकालना है, तो केंद्रक से पहले हमको पहले क्या हम जाने माध्यिका जान लिए, और जब माध्यिका जान लिए तब हमको क्या है निकालना है माध्यिका से फिर हम केंद्रक हमको भी केंद्रक भी हमको मालूम हो गया। तो आपका क्या है कि तीनों माध्यिका को ठीक ना एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि तीनों माध्यिका को जब हम खींचते हैं तो खींचने से तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर क्या है कटता है, तो उस बिंदु को हम क्या बोल देंगे त्रिभुज का केंद्रक कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे इसको हम केंद्रक कह देंगे। तो ये आपका केंद्रक है, तो थोड़ा केंद्रक को हम इसको क्या से कुछ भी से सूचित कर दीजिए, तो केंद्रक को हम जी से हम सूचित कर दे रहे हैं, कैसे जी से। अभी आपका जी का मान जो है से जब यहाँ पास जो बिंदु जो कटा मतलब कि तीनों यानी कि माध्यिका से जब प्रतिच्छेद हुआ तो आपका बिंदु कुछ बना क्या बन गया जी, तो जी का मान यानी कि जी का तभी कुछ मान देगा, जी का भी कुछ क्या है हमको निर्देशांक निकालना है ना, तो जी का आपका निर्देशांक क्या है एक्स कॉमा वाई, तो यही हमको क्या है एक्स वाई के हमको मान क्या है निकाल देना है ठीक ना। एक्स वाई के मान इसको कैसे निकालेंगे अब यहाँ थोड़ा देख लिया जाए ठीक है। चलिए इसके यहाँ देखिए लिख दे रहा है, अच्छा यहाँ थोड़ा और एक पॉइंट थोड़ा देख लीजिएगा ठीक ना, कि ये तो आपका माध्यिका हो गया यानी कि ए डी जो है आपका माध्यिका है, सी एफ जो है माध्यिका है, बी ई जो है क्या माध्यिका है, माध्यिका है ना। लेकिन माध्यिका तो है लेकिन यार कितना अनुपात में यानी कि ए से लेके डी तक जो है वह कितना भाग में बांट दिया, यहाँ पास कट गया ना देख रहे ना, तीनों माध्यिका क्या है एक यानी कि एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद किया, तो प्रतिच्छेद करने से यहाँ से यहाँ का भी सब कुछ पॉइंट बन गया, यानी कि यहाँ से यहाँ भाग अलग हो गया और यहाँ से यहाँ भाग क्या हो गया अलग हो गया, तो कुछ तो सब भाग इसमें बटेगा ना, तो बटेगा तो यहाँ देखिए गौर से समझिएगा, यानी कि ए से देखिए जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से हम रेखा को क्या है खींचते हैं यानी जहाँ से शीर्ष बिंदु से हम चलते हैं, तो ए से लेके जी तक जो आपका भाग होगा वह कितना हो जाएगा दू हो जाएगा, कितना हो जाएगा दू हो जाएगा, और जी से लेके जो डी तक जो आपका जो भाग होगा वह कितना हो जाएगा
एक हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि शीर्ष ए से हम चले तो शीर्ष ए से लेके जी के पार होते हुए हम डी आगे, ठीक है। तो ए से लेके जी तक के भाग जो हुआ से दूर हो गया, और जी से लेके डी तक जो भाग हुआ से कितना हो गया, वन हो गया, ठीक ना। अब कुल भाग कितना हो जाएगा इसका, तीन हो जाएगा, यही ना इसका होगा भाग। अब यहां से फिर से गौर से यहां से भी देखेगा कि यानी कि बी से लेकर हम चले जी तक, तो यहां पर गौर से देखेगा कि हम शीर्ष से जहां से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, जहां से स्टार्टिंग करते हैं, तो ये मत कि सर यहां से स्टार्टिंग कर देगा तो ये ना हो देने से, तो ऐसा नहीं, थोड़ा जहां एक नियम से इसको चलेगा तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हम बी से यानी बी शीर्ष से जब हम चल रहे हैं तो यहां तक जी तक के भाग को क्या मान लेंगे, दू, और जी से लेकर ई तक के भाग कितना मान लेंगे, वन। और फिर क्या है, सी से लेकर हम जी तक चलेंगे तो ये भी आपका भाग हो जाएगा कितना, टू, और यहाँ जी से चलेंगे एफ तक कितना इसका मान हो जाएगा, वन। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए जब यहाँ हो गया ये टू वन हो गया, ठीक ना। तो जब दो भाग में बट गया ना, प्रत्येक माध्यिका जो है से दो दो भाग में बट गया, यानी कि दो अनुपात एक में बटा, दो अनुपात एक में बटा, दो अनुपात एक में बटा, प्रत्येक माध्यिका जो है कितना कितना अनुपात में बट गया, तो दो अनुपात एक में बटा, दो अनुपात एक में बटा, दो अनुपात एक में बट गया, बट गया। अब बट गया तो हम गौर से देखिए कि हमको क्या है निकालना है, जी का, यानी कि हमको जी का निर्देशांक निकालना है। तो पहले जी के निर्देशांक निकालने से पहले इसको पहले हम डी के निर्देशांक निकालेंगे, इसलिए कि जब हमको डी के जब हमको निर्देशांक मालूम हो जाएगा तो हम जी का निर्देशांक आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पास इसको आपका दो है ना, तो दो है तो थोड़ा इसको आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ये एक है तो इसको क्या मान लेंगे, ए। मतलब का नाम हो जाएगा कि ये माध्यिका जो है, ठीक है, एडी माध्यिका जो है जो दो भाग में आपको बटा, ठीक ना, तो ए से लेके जी तक जो आपका भाग है दो है, तो दो को मान लेंगे कौन सी, एम। क्या हम थोड़ा इसको मान लेंगे, हम ये एम है, क्या है, एम है, और ये आपका जो है जी से लेके डी तक है वो क्या है, एन है। कोई दिक्कत, क्योंकि हमको निर्देशांक ज्यामिति से लेकर हमको चलना है ना, हमको इसको क्या मान निकाला, हम थोड़ा एम एन तो नहीं दर्शा दे रहे हैं, आपको लिए हम कर रहे हैं, ऐसे तो मतलब गुना होकर डेट आ जाएगा, लेकिन आपको लिए हम थोड़ा समझाने के लिए इसे हम एम और एन लिख दे रहे हैं, इतनी समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं यहाँ क्या चाहिए, यहाँ वर्ष देखिएगा कि ए जो है, ए जो है जो बी सी पर आपका डी जो है पास मतलब एक क्या रेखा जो खींचे, तो डी जो है आप इसको कौन सा बिंदु बोल देंगे, मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु है ना, यानी कि बी सी के डी जो है क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु में जब अगर हो गया तो बताइए कि बी सी भुजा को कितना भाग में बांट दिया, तो बराबर बराबर भाग में बांट दिया, जितना आपका बी से लेके डी तक भाग होगा उतना ही डी से लेके सी तक के भाग होगा, और सब भुजा का आपका समान होगा उतना ही बराबर होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 20 भाग है, यानी कि 20 सेंटीमीटर मान लीजिए है कि 20 सेंटीमीटर आपका भुजा है, 20 से लेके सी तक आपका 20 सेंटीमीटर है, और डी आपका मध्य में है ना, तो इससे आपको साबित क्या होता है कि 20 से लेके डी तक जो आपका होगा से 10 हो जाएगा, और डी से लेके आपका सी तक जो होगा से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, समझे। प्रत्येक भुजा को अगर ये 20 है 10 10, अगर ये 20 है 10 10, अगर ये 20 है तो 10 10, अगर ये मान लीजिए 40 है तो 20 20 में बटेगा, माने आधा आधा भाग में सर आपको बटेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ पास से हमको पहले देखना है क्या कि हमको एक यानी कि डी का जो मान जो है हमको एक्स और वाई के हमको इसको पहले निकाल लेना है, ठीक ना। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसको मान लिया एक्स वाई, यहाँ गौर से कि बी से लेकर डी तक जो भाग है इसको कितना मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, ठीक ना, वन मानिए या तो फिर तीन मानिए, लेकिन बराबर बराबर ही सर भाग मानिएगा ना। अगर यहाँ 10 था तो यहाँ कितना था, 10 ही था ना, इधर भी आपका बी से डी से लेकर सी तक कितना था, 10 था, इसको 1 मान लिए, और इसको भी कितना मानेंगे, डी से लेकर सी तक इसको भी 1 थोड़ा मान ले रहे हैं। अब देखिए डी का हम कैसे निकालते हैं, आइए यहाँ देखिए, देखिए यहाँ डी से यानी कि हमको डी को कैसे निकालते हैं, और देखिएगा हम डी के निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख दें, यहाँ लिखिएगा कि चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, लिख दिए डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो जब डी बी सी का मध्य बिंदु है तो पहले डी का निर्देशांक कितना होगा,
देखिए डी का आपका निर्धारण कैसे हुआ, देखिए हम पास निकाल दे रहे हैं एक ही बार में एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देखिए डी यानी एक्स कॉमा वाई माने क्या है, हम दोनों के निकाल रहे हैं एक ही बार में। देखिए कैसे इसको पहले निकालते हैं ऐसे, अच्छा ये एक्स थ्री है ना, एक्स थ्री है, अभी कितना है सॉरी एक्स थ्री है, एक्स टू है, वाई टू है, वाई थ्री है, ठीक। चलिए इसको एम एन थोड़ा मान के दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपका डी के मान निकालना है तो इसको हम गुना करके देखिए शॉर्ट टर्म इसको निकाल दे रहे हैं। और मध्य बिंदु का अभी जस्ट हम पीछे वाला वीडियो में क्या हम सिद्ध किए हैं, ठीक है, वो वही वाला इसको केवल खाली बैठा देना है, केवल इसमें खाली यहाँ पास चेंज का पद है, ये ना आपका नियामक जैसे खाली इसमें केवल खाली चेंज है कि एक्स थ्री है और वाई थ्री इसमें है, ठीक ना, बाकी और कुछ भी नहीं है, हल आपका वही है। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, कैसे कीजिएगा पहले कि बी सी को डी जो है से दो भाग बराबर में बांट दिया है, एक भाग यानी कि बराबर बराबर भाग में बांटा है, तो हम क्या करेंगे एक्स थ्री से पहले, देखिए यहाँ एक्स थ्री से पहले हम गुना कर देंगे किसमें, एक में, एक्स थ्री से गुना करेंगे हम एक में, देखिए यहाँ तो एक गुने एक्स थ्री लिख सकते हैं, एक गुने एक्स थ्री, और देखिए दाहिना से चले बाया, अब चलेंगे हम बाया से दाहिना, ठीक ना, तो अगर ये क्या है एक्स टू से गुना कर देंगे किसमें, देखिए एन वाला था एन बराबर कितना है एक है ना, तो एक्स टू से गुना कर देंगे एक में, तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक ना, वन गुने एक्स टू देखकर, और देखिए यहाँ कितना भाग में बट लिया है, तो दो भाग में बट लिया है, यहाँ इस पर लिख दीजिएगा कि डिवाइडेड बाई वन प्लस वन को देखकर आगे लेके चलिएगा। देखिए थोड़ा इसमें वाई भी था ना, तो वाई के भी देखिए हम साथ ही इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वाई से है, जब वाई से जब हो दिया तो हमको वाई वही बात बनना चाहिए, इसमें हमको एक्स के हमको बात नहीं बनना चाहिए। देखिए जैसे एक्स को हमको अभी हमको निकालना था पहला, तब एक्स के हमको निकालना था, तो क्या एक्स के ही इसमें ना बात बना कि वाई के इसमें बात बना, नहीं बात बना उसमें, लेकिन अब हमको क्या है वाई के जब हमको निकालना है, वाई का निर्धारक निकालना है, तो वाई का ही उसमें हमको बात बनना चाहिए, हमको एक्स का हमको उसमें बात नहीं बनना चाहिए, और ना बनेगा भी। देखिए यहाँ वाई थ्री से गुना कर देंगे अब किस में, वन में, मतलब कि एम में, तो एम बराबर कितना है वन है, तो वाई थ्री से गुना कर देंगे वन में, तो कितना यहाँ हो जाएगा कि वन गुने वाई थ्री प्लस, ठीक है, क्या ले देंगे फिर क्या है वाई टू से गुना कर देंगे वन में, तो क्या होगा एक बार दायां साइड एक बार बायां साइड ले रहे हैं सर, वाई टू से गुना कर देंगे वन में, तो कितना हो जाएगा वन गुने वाई टू हो जाएगा, और कितना भाग में बट ले है, तो एक भाग वन इधर है और एक भाग इधर है, यहाँ लिख देंगे कि डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, ठीक है, मतलब एक प्लस वन दो भाग में बट ले था, तो वन प्लस वन एक भाग वन, तो दूसरा भाग भी वन, तो वन प्लस वन से भाग दे इसको देंगे, फिर इसको लिख दीजिएगा कि d x कॉमा y, ठीक ना। अब यहाँ इसको देखिएगा x से गुना कर देंगे x3 में, तो क्या हो जाएगा x3 प्लस 1 से गुना कर देंगे x2 में, तो क्या हो जाएगा x2, और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना, कॉमा है ले दीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा कि y3 से गुना कर देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा प्लस y2 से गुना कर देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा बाय एक एक दो हो जाएगा। अब देखिए हमको डी के मान इतना निकल गया, ठीक है, डी के मान हमको इतना निकल गया ना, अब जब डी के मान निकल गया तो हमको मान सर किससे निकालना है, जी के मान हमको निकालना है, किसको जी के निकालना है, तो अब देखिए जी के मान सर कैसे निकलेगा, आराम से थोड़ा दिन समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखिएगा कि पुनः हमको केंद्र के मान निकालना था, किसको केंद्र के, केंद्र का क्या है जी है, और जी की देखिए कैसे मान निकलेगा इससे एक्स कोमा वाई। अच्छा देखिए पहले पारापारी निकाली थी, देखिए जी में जो है सबको ये कोई एक्स है वो क्या है वाई है, तो पहले थोड़ा पहले एक्स के निकाल ली थी, किसको एक्स के निकाल लेते हैं, जी में आपका सर दो को भाग है ना, जी का निर्देशांक क्या है दो है, एगो एक्स है एगो वाई है, तो पहले थोड़ा हम इसको एक्स से निकाल लेते हैं, और इसको बाद किसको निकाल लेंगे वाई के निकाल लेंगे, देखिए एक्स के कैसे निकालेंगे इसे। अच्छा गौर से देखिए कि डी वाला जो आपका बिंदु आया है, तो डी बिंदु का निशान हमको इतना आ गया है ना, तो डी बिंदु के निशान के यहाँ पास सब लिखाएगा ना,
दिखाएगा, थोड़ा यहाँ पास पहले लिख दे रहे हैं, देखिए मिटा के। देखिए यहाँ पास इन आपका दिया था, सामान्य के लिए थोड़ा लिख रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा आखिर लूप का, ये लिखेंगे एक्स थ्री प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, कॉमा फिर क्या है वाई थ्री प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको d से a के हमको यानी कि हमको g के मानों को निकालना है, तो d का हमको निर्देशांक मालूम हो गया। अब इससे हमको मतलब नहीं है यानी कि इससे लेकर चलेगा सब तो गलती हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यही वाला का देखिए यहाँ इसको हम लिख दिए वाला है, तो इसको निकाल दिया थोड़ा हम, ठीक ना, तो हमको g का मान निकालना, तो g में हमको क्या है x और y है, तो यहाँ गौर से देखिए ये m है ये n है, तो हम का किए पहले यहाँ पहले गुना किए x2 से पहले गुना करेंगे हम किस में m में, यहाँ भी सर किए ना हम अभी जस्ट किए था ना, तो यानी कि x2 से गुना किए हम m में, जस्ट इसी प्रकार से इसमें भी इसको हम क्रिया कर देंगे, ठीक ना। अब कैसे देखा देखिए, तो पहले हम इसको x के मान निकाल रहे हैं, जब x के मान निकाल रहे हैं तो हमको x से हमको इसमें क्या बात भी बनना चाहिए क्या होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा कि x2 है ना, यहाँ देखिए कौन से, तो इसके यहाँ लिखेंगे क्या कि इससे गुना कर देंगे पहले किस में, यहां करेंगे टू में, यानी कि एक्स थ्री प्लस एक्स टू बाई टू से गुना कर देंगे टू में, यहां इसको लिखेंगे कि टू गुने ऊपर लिख दें कि टू गुने टू गुने, देखिए यहां इससे गुना कर रहे हैं किस में, इसमें दाहिना से चल रहे पहले, फिर इसको बाद से फिर क्या से बाया से, अरे इसको ऐसे करके इसे लिखेंगे ना सीधा से तो फिर आ जाएगा ना, थोड़ा इसे खड़ा है तो ये मैं कि मैंने खड़ा है कि दाया कि बाया है, यानी कि इसको नीचे से हम ऊपर चढ़ रहे हैं फिर ऊपर से इसको नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा सही, ठीक है। तो देखिए इससे गुना पर इसमें कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इससे गुना टू में किए टू और गुना कितना एक्स थ्री प्लस एक्स टू कर देंगे एक्स थ्री प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, प्लस देंगे बीच में होगा ना प्लस नहीं होगा, अभी तो एक्स खाली हो गया अभी वाई का है, तो अब हम क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे गुना मतलब एक्स वन से गुना एक में होगा, तो एक्स वन से गुना एक में होगा तो कितना हो जाएगा एक गुने एक्स वन, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखेगा कि यह जो है ए से लेके डी तक जो आपका माध्यिका है वह कितना भाग में बट गया है, दो भाग में, एक भाग आपका दो है और एक भाग आपका कितना है वन है, इसको कर देंगे कौन सी टू प्लस वन जोड़ के इसे भाग देंगे ना, और यहाँ इसमें देखिएगा क्या है आगे इसको और निकालिएगा, चलिए इसको पहले हल कर लिया जाए, देखिए दो से दो क्या हो गया कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स बराबर, ठीक ना। अब देखिए क्या बच गया, जब दो से दो कट गया तो बच गया क्या आपको एक्स थ्री बच गया प्लस एक्स टू बच गया और प्लस देखिए वन से गुना कर देंगे, देखिए एक्स वन था यहाँ छूट रहा था एक्स वन है तो वन से गुना कर देंगे एक्स वन में तो कितना हो जाएगा एक्स वन और दो और एक कितना हो जाएगा तीन जोड़ देंगे तो चलिए तो यही आपका जो है क्या है एक्स का नियामक निकल गया सर इसका। अब मान किसे निकालना है वाई का हमको निकालना है, देखिए वाई के भी कैसे निकालेंगे इसे वाई के निकालेंगे कैसे देखिए, और फिर क्या है जब वाई के जब हमको जब निकालना है तो केवल वाई से ही हमको बात बनना चाहिए, हमको एक्स से हमको बात नहीं बनना चाहिए, देखिए यानी कि नीचे से पहले गुना करेंगे कहाँ एम यानी कि ऊपर में गुना करेंगे इससे गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको यानी देखिए कि टू गुने कितना जगह देखिए इससे गुना इसमें कर रहे हैं यानी वाई थ्री प्लस वाई टू बाई टू से गुना हम कर रहे हैं टू में तो क्या टू गुने क्या हो जाएगा वाई थ्री प्लस वाई टू और डिवाइड बाई टू यानी कि बट्टा दो इसके यहाँ लिख दिए और इसको देखिए बता दीजिएगा प्लस फिर क्या होगा ऊपर से गुना हुआ कहाँ अब नीचे होगा तो y1 से गुना हुआ वन में यानी ऊपर से नीचे होगा ना n में तो y1 गुने वन कर देंगे कि वन गुने y1 और के भाग में बट गया ही a d जो है के भाग में a से लेके d तक दो और d से लेके d तक वन तो डिवाइड बाई कितना टू प्लस वन टू प्लस वन को देखकर
चलिए यहां देखिए 2y बराबर 2 से 2 गुना में था तो क्या हो गया, कट गया और क्या बचेगा y3 प्लस y2 प्लस देखिए x से गुना का y1 में तो क्या हो जाएगा y1 बाई 2x3 को देखकर ये आपका जो समान किसका निकल गया, निकल गया y का निकल गया, ठीक ना। अब देखिए जब x y दोनों को जब निकल गया तो कुछ समान किसका g का निकालने के लिए अभी इसे लिख दीजिएगा कि त्रिभुज अतः ठीक ना लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज का केंद्रक ठीक ना, तो त्रिभुज का केंद्रक क्या हो गया g x कॉमा y। अब इसको आराम से इसको लिख दीजिए, तो x का मान कितना दिया है देखिए यही ना है, लिख रहे हैं कि x3 प्लस x2 प्लस x1 बाई थ्री और देखिए y के मान दिया है कौन चीज y3 प्लस y2 प्लस y1 बाई ये सारा का हो गया, मतलब ये जो है से आपका क्वेश्चन निकल गया, ये आपका त्रिभुज का केंद्रक का एक फॉर्मूला हो गया। अब इसी के माध्यम से इसको आसानी से आप क्या है हल इसको कर लिया, तीनों आपका शीर्ष बिंदु दे देगा और बोल देगा कि त्रिभुज का केंद्रक निकाले, इस सूत्र के माध्यम से इसको निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना, धन्यवाद।